नमस्ते बाळको, आजे आपणे सुरीला कंठवाळू पक्षी एटले के कोयल विषे अभ्यास करीशुं। कोयलनो अवाज तो तमे सांभळ्यो ज हशे। कोयलनो रंग काळो छे, परंतु तेनो अवाज खूब ज सुरीलो छे। पाठनी शरूआत पहला आपणे थोड़ाक शब्दार्थ जोई लईए। बाळको, तमारे आ शब्दार्थ पाका करवाना छे, जेथी पाठनुं गुजराती करवामां सरळता रहे। अहीं आपेलुं छे पत्ता। पत्ता एटले पांदडुं। वृक्षोना पांदड़ा होय छे, तेने हिंदीमां पत्ता कहेवाय। त्यार पछी छे आम का पेड़। आम एटले के आंबो। आम का पेड़ एटले के आंबानुं वृक्ष। मौज। मौज एटले आनंद। सुरीली। सुरीली एटले मधुर, मीठी। जी वरकर एटले के धराईने, मन भरीने अथवा तो धराईने। त्यार पछी छे कूकना। कूकना एटले कूंजवू। कोयल टंका करे छे, तेने आपणे एम कहीए के कोयल कूंजे छे। कूंजवू। अहीं कोयलनुं चित्र आपेलुं छे। कोयलने आंबानुं वृक्ष ખૂબ જ ગમે, તેથી તે મોટે ભાગે આંબાના વૃક્ષ પર જોવા મળે છે। એ પાઠનું ભાષાંતર કરીએ। કોયલ કાલે રંગ કી હોતી હે। કોયલ એટલે કોયલ। કાલે રંગ કી એટલે કે કાળા રંગની। હોતી હે એટલે હોય છે। કોયલ કાળા રંગની હોય છે। યહ। યહ એટલે આ। રંગ ઓર। ઓર એટલે અને। રંગ અને આકાર મેં। આકાર એટલે આકાર। આકાર મેં કૌવે સે મિલતી જુલતી હે। આ રંગ અને આકારમાં કૌવે એટલે કાગડો। કાગડાને મળતી આવે છે। મિલતી જુલતી હે એટલે કે મળતી આવે છે। આ રંગ અને આકારમાં કાગડાને મળતી આવે છે। આ એટલે કે કોયલ। ત્યાર પછી કોયલ પેડ પર। કોયલ પેડ એટલે કે વૃક્ષ। વૃક્ષ પર પત્તો મેં। પત્તો એટલે કે પાંદડા। પાંદડામાં મેં એટલે માં। કોયલ વૃક્ષ પર પાંદડામાં છીપકર એટલે છુપાઈને છીપકર બેઠતી હે। કોયલ વૃક્ષ પર પાંદડામાં છુપાઈને બેસે છે। બેઠતી હે એટલે બેસે છે। આમ કા પેડ ઉસે બહુત પ્રિય હે। આમ એટલે કેરી, કેરીનું વૃક્ષ। આમ કા પેડ એટલે કેરીનું વૃક્ષ, જેને આપણે આંબો કહીએ છીએ। આંબો ઉસે એટલે તેને, તેને એટલે કે કોયલને। આંબો તેને બહુત એટલે ખૂબ જ પ્રિય છે। આંબો તેને ખૂબ જ પ્રિય છે। કોયલ મોજ મે આકર કુહુ કુહુ કી આવાજ લગાતી હે। કોયલ આનંદમાં, મોજ એટલે કે આનંદ, કોયલ આનંદમાં આવીને, આકર એટલે કે આવીને, કોયલ આનંદમાં આવીને કુહુ કુહુ નો અવાજ લગાવે છે। કુહુ કુહુ કી આવાજ લગાતી હે। આવાજ એટલે કે અવાજ। કોયલ આનંદમાં આવીને કુહુ કુહુનો અવાજ લગાવે છે। ઉશ્કી બોલી। ઉશ્કી એટલે કે તેની, કોની, કોયલની। ઉશ્કી બોલી, બોલી એટલે અવાજ અથવા તો વાણી। ઉશ્કી બોલી મીઠી ઓર સુરીલી હોતી હે। તેની વાણી મીઠી અને સુરીલી હોય છે। સુરીલી એટલે મધુર। કોયલનો અવાજ કેવો હોય છે? સુરીલો અને મધુર। એટલે કે તેની બોલી મીઠી અને
मधुर होय छे। त्यार पछी वसंत ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है। वसंत ऋतु में कोयल जी भरकर एटले के मन भरीने धराईने कूकती है एटले के कूंजे छे। वसंत ऋतु में कोयल धराईने कूंजे छे एटले के वसंत ऋतु में कोयल खूबज टहुका करे छे। त्यार पछी छे वर्षा ऋतु में भी हम उसकी कूक सुन सकते हैं। वर्षा ऋतु एटले वरसादनी ऋतु चोमासु। वर्षा ऋतु में भी एटले के वर्षा ऋतु में पण भी एटले पण हम एटले के आपणे हम उसकी कूक तेनी कूंज सुन सकते हैं एटले के सांभळी शकीए छीए। वर्षा ऋतु में पण आपणे तेनी कूंज सांभळी शकीए छीए। कूंज एटले के टहुका। कोयल को पीक और कोकिला भी कहते हैं। कोयल को एटले के कोयल ने पीक अने कोकिला पण कहेवाय छे। कोयलना बीजा पण बे नाम छे, कया कया? तो के पीक अने कोकिला। हवे स्वाध्यायमां पहेलो प्रश्न जोईए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित एटले के नीचे आपेला प्रश्नोना उत्तर लखो। पहेलो प्रश्न छे, रंग और आकार में कोयल किससे मिलती जुलती है? तो जवाब में लखीशु, रंग और आकार में कोयल कौवे से मिलती जुलती है। त्यार पछी बीजो प्रश्न, कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? तो लखवानो, आम का पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है। पछी त्रीजो प्रश्न, कोयल की बोली कैसी होती है? तो जवाब लखवानो, कोयल की बोली मीठी और सुरीली होती है। त्यार पछी कोयल के दो और नाम बताओ, एटले के कोयल ना बीजा बे नाम बताओ। जवाब में लखीशु, कोयल को पीक और कोकिला भी कहते हैं। प्रश्न बीजो, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। कोष्टक एटले के कौंस, कौंसमांथी साचो विकल्प पसंद करीने खाली जगह पूरो। पहली खाली जगह छे, कोयल खाली जगह रंग की होती है। विकल्प में आपेलू छे सफेद अने काले। तो जवाब शू आवशे? काले। एटले के कोयल काले रंग की होती है। पछी छे बीजी खाली जगह, कोयल खाली जगह में छिप कर बैठती है। अहीं विकल्प में आपेलू छे पत्तो पेड़ो। पत्तो एटले पांदड़ाओ ने पेड़ो एटले वृक्षो। तो साचो जवाब आवशे पत्तो। एटले के कोयल पत्तो में छिप कर बैठती है। त्यार पछी त्रीजी खाली जगह, कोयल को खाली जगह भी कहते हैं। अहीं विकल्प में आपेलू छे कौवा अने कोकिला। कौवा एटले तो कागड़ो थाय, तो जवाब आवशे कोकिला। तो अहीं लखीशु कोकिला, एटले के कोयल को कोकिला भी कहते हैं।